ये एडमिट कार्ड तो आपने देखा ही होगा जिसमें एक्ट्रेस सनी लियोन की फोटो लगी है, क्योंकि ये तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन इस एडमिट कार्ड ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जिसका ये एडमिट कार्ड है वो किसान का बेटा है और उसका सिपाही बनने का सपना अधूरा रह गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं शेष भारत। यूपी के महोबा जिले के रगौलिया गांव में रहने वाले धर्मेंद्र कुमार पुलिस भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड में सनी लियोन बना दिए गए, जिससे वो पुलिस की परीक्षा नहीं दे पाए और उनकी 2 साल की तैयारी धरी की धरी रह गई। किसान परिवार के धर्मेंद्र कुमार के पिता कालीचरण किसान हैं और खेती किसानी कर अपने बच्चों का पालन करते हैं। उनके 2 बेटों में धर्मेंद्र बड़ा बेटा है, उसने बीए करने के बाद पुलिस की भर्ती की तैयारी शुरू कर दी थी। धर्मेंद्र पिछले 2 साल से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था और जब पुलिस की भर्ती निकली तो उसने बड़े उत्साह के साथ ये फॉर्म भी भरा था। लेकिन जब उसका एडमिट कार्ड आया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि इस एडमिट कार्ड में उसकी जगह मशहूर फिल्म अभिनेत्री सनी लियोन की फोटो लगी हुई थी और सरकारी महकमे की इस बड़ी गलती से किसान का बेटा परीक्षा नहीं दे पाया, जिससे पुलिस में सिपाही बनने का उसका सपना अधूरा रह गया है। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के महोबा जिले का है। वहीं पीड़ित परीक्षार्थी ने कहा कि उसकी छूटी हुई पुलिस भर्ती की परीक्षा दोबारा कराई जाए ताकि उसका सिपाही बनने का सपना पूरा हो सके। फिलहाल मामले पर पुलिस सॉल्वर गैंग एंगल से जांच शुरू कर चुकी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में सिपाही की लिखित परीक्षा ली जा रही है। ये एग्जाम 17 फरवरी को लिया गया, जिस दौरान कई सेंटर्स पर कड़ी निगरानी के बावजूद भी धांधली के मामले सामने आए। परीक्षा 18 फरवरी को भी आयोजित की गई थी। इस एग्जाम के जरिए उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,000 से ज्यादा कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली आखिर रुक क्यों नहीं रही है और ये खेल उत्तर प्रदेश में आखिर कब तक जारी रहेगा। फिलहाल पुलिस की तरफ से कहा गया है कि आगे ऐसे मामले आने से रोके जाएंगे, क्योंकि पुलिस कुछ हाईटेक तरीकों को अपनाएगी। इसलिए एडमिट कार्ड से छेड़छाड़ करने पर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फ्रॉड करने पर पुलिस सॉल्वर को पकड़ लेगी। वैज्ञानिक तरीके से 3 तरह से जांच की जाएगी। आधार ऑथेंटिकेशन की मदद से OTP जनरेट कर भी जांच होगी। इसके साथ ही ब्लूटूथ डिवाइस पकड़ने के लिए भी जांच टीम में शामिल पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। सर्विलांस की मदद से STF भी नजर रखेगी। खैर, ये बातें तो हर बार कही जाती हैं, लेकिन सिपाही परीक्षा में धांधली रुक नहीं पाती और कई सालों से उत्तर प्रदेश में ये होता आ रहा है। दरअसल 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने यूपी के CM पद की शपथ ली थी। तब युवाओं को उम्मीद बंधी थी। सपा बसपा की सरकारों में भर्तियों की धांधलियों ने न जाने कितने लड़के लड़कियों को माइग्रेन दे दिया था। जब विधानसभा चुनाव 2017 से पहले बीजेपी ने कहा था कि ये सब रुकवा देंगे, तब 2017 में बीजेपी पर यूथ ने विश्वास किया था। तब यूथ ने झट से बीजेपी पर भरोसा कर लिया था। हालांकि सिर्फ 4 महीने ही बीते थे जब बीजेपी सरकार आई, तो 25 और 26 जुलाई 2017 को यूपी पुलिस दरोगा भर्ती की परीक्षा होनी थी, लेकिन पर्चा लीक हो गया और योगी सरकार में सवाल उठ खड़े हुए। यहां यूथ सोच रहा था कि सपा और बसपा के सरकार में जैसे धांधलियां होती थी वैसे बीजेपी सरकार में नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी तरीके से जब योगी सरकार के 5 साल पूरे होने पर 4 महीने बचे थे, 28 नवंबर 2021 को यूपी टेट की परीक्षा होनी थी, हुई भी, लेकिन इस बार भी पेपर लीक हो गया। असल में योगी सरकार में 1-2 नहीं, कुल 8 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। करीब 83 लाख लड़के लड़कियों की मेहनत पर पानी फिर गया, लेकिन अभी तक सरकार कुछ नहीं कर पाई। फिलहाल ये धांधली कब रुकेगी, ये एक बड़ा सवाल है। कभी एडमिट कार्ड के ऊपर किसी और की तस्वीर का होना, तो कभी पेपर का लीक होना, तो कभी पेपर सॉल्वर गैंग का एक्टिव हो जाना, ये बताता है कि यूपी में ये व्यवस्था यूं ही चली आ रही है और चलती रहेगी, क्योंकि सरकारें आती रही जाती रही, क्योंकि ये तस्वीर न बदली है और न बदलेगी। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।